हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज की जो आफ्टरनून है वो हम लोगों की हो रही है कुल्लू में। जैसे कि आप लोग पीछे देख ही सकते हैं, ये सारा कुल्लू भुंतर का नज़ारा है। अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि नायशा की जो एंटी रेबीज़ की वैक्सीनेशन है वो आज भी होनी है। आई थिंक आज लास्ट डे है इसका वैक्सीनेशन का, तो बस अभी वहीं तक जा रहे हैं। आए तो अभी हम लोगों को जाने के लिए कुछ मिला नहीं, कुछ साधन नहीं मिला, पैदल ही जा रहे हैं। वैसे नज़दीक ही है साथ में ही, तो चलिए चलते हैं। तो ओपीडी के बाहर तो कुछ इस तरह से लाइन लगी हुई है, बट थैंक गॉड कि यहाँ पे मुझे अपने कज़न ब्रदर मिल गए जो कि लाइन में यहाँ पे खड़े हुए हैं। अदरवाइज नायशा तो बिल्कुल भी मेरे साथ खड़ती नहीं यहाँ पे। ये देखिए नायशा, यहाँ पे मैंने फ़ोन दे के रखा है इसको, ताकि थोड़ा ये इसका माइंड डाइवर्ट हो जाए। नायशा की स्लिप यहाँ पे बन गई है, पर लड़की ने अंदर जाते ही रोना स्टार्ट कर दिया था। जैसे ही मैंने इंजेक्शन बोला डॉक्टर को, ये वैसे रोने लगी। और ये मैंने इसकी फेवरेट जेली टॉफ़ी रखी हुई है इंजेक्शन के बाद देने के लिए, जब रोएगी तो इससे मन बहल जाएगा। चलो भाई नायशी, अब तो फिर दे दे बेटा, कुछ नहीं होता बेटा, कुछ नहीं होता। तो यार फाइनली नायशा की वैक्सीनेशन हो गई है जैसे तैसे करके, और ये आज लास्ट थी। और अभी हम लोग यहाँ से फर्स्ट ट्राई की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे जाके नायशा के लिए मुझे कुछ सामान भी ख़रीदना है, और थोड़ी ये फ्रेश भी हो जाएगी टॉयज़ वगैरह देख के। तो चलिए चलते हैं जी। आपको बॉल, अच्छा ये वाला बॉल ठीक है, वन मिलेगा, वन ठीक है। मम्मा आ गए। अच्छा कौन सा चाहिए आपको नायशा, ये वाला चाहिए या फिर ये वाला चाहिए आपको? अच्छा छुजू जी, ये वाला। वाओ 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 वाओ, पी पी करो, चल के आओ नायशा, वॉक वॉक वाओ। नहीं छुजू में पी पी हो रहा है। पैंडा, ये देखो यहाँ पे क्या है, क्या है, बैग बीच में है ना। हम लोगों ने ऑटो किया हुआ था, और भुंतर में इस चीज़ की काफ़ी सुविधा है कि आपको इजीली ऑटोज मिल जाते हैं जाने के लिए। नायशा बाबू, चलो बेटे चलो आगे चलो, यहाँ से नानी आएंगे अभी आपको लेने ना यहाँ पे। तो अभी हम लोग ऑटो से उतर चुके हैं और यहाँ से अब पैदल जाएंगे उधर घर की तरफ। वो देखिए वो रहा उधर घर। ये जो पेड़ है ना, ये खुमानी का पेड़ है, ये वाइल्ड खुमानी हम इसको बोल सकते हैं, एक तरह से जंगली खुमानी होती है। देखिए इस पे फ्रूट्स लग गए हैं, और ये देखो इधर यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू कोटखाई गर्मी है, तो यहाँ पे फ्रूट्स देखिए इतने उतने हो गए। अदरवाइज़ हमारे कोटखाई में तो अभी तक लगे ही नहीं खुमानी के फ्रूट्स। खुशी देखो दीदी आई इसको लेने, और नायशा बहुत ही ज्यादा खुश है। नानी और नायशी दीदी इसको लेने आए इधर। पूछो तो मम्मी, इसको पूछो तो, इसको लगाए नाना, दुखाओ तो। कौन लगाए आपने? छू लगा आपको, क्या लगाया आपने? क्या लगाया किसने लिया आपके लिए? नए शुजू ये किसने लिए मिलना बताओ तो। नानू के पास जाना, चलो नानू के पास चलते हैं। चलो तब चलो, पर जाएगी दीदी के पास। चलो चलो अब चलो बाय, चलो चलो नानशु आ जा, चलो आ जा आ गए। चल पड़ी नानशु नानी के साथ अब घर। और ये देखिए इधर अनार के पौधों में
फ्लावरिंग हो चुकी है, कितने सारे फ्लावर्स आ गए, बट अनार में ऐसा है ना आधे से ज़्यादा तो ये ड्रॉप हो जाते हैं। और ये जो छोटे छोटे पेड़ आपको लग रहा होगा कि ये अनार के छोटे छोटे पेड़ हैं, बट ये इतने ही होता है इनका, ये इतने ही होता है क्योंकि ये सीडलेस अनार है जिनमें सीड्स बिल्कुल ना के बराबर होता है। गुड इवनिंग, तो अभी शाम के लगभग 5 बज चुके हैं और अभी ना बहुत ही ज़ोर की बारिश हुई है यहाँ पे कुल्लू में, और आजकल शाम के टाइम तो ना यहाँ पे रोज़ इतना भयंकर तूफान चलता है ना। और अभी हम लोग खेत जा रहे हैं, मैं, मम्मी और नायशा, थोड़ी सी सब्जी लानी थी, मटर लाने थे खेत में, हमने मटर लगाए हैं, तो मुझे लगा चलिए व्लॉग भी बनाती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी कि जो हम लोग मटर बीजते हैं किस तरह से खेतों में मटर लगे होते हैं। तो चलिए चलते हैं। मम्मी की पीठ में नायशा और ये लोग फटाफट से आते ही मटर निकालने लग गए। ये देखिए इधर मटर लगाए हुए हम लोगों ने, इस खेत में थोड़े से ही हैं। नायशा, नायशा आप क्या कर रहे हैं? नायशा यहाँ देखो, ये ना चॉकलेट खा रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है। नायशा आप चॉकलेट खा रहे हैं कि पीस खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? चॉकलेट, ये चॉकलेट खा रही है, पीठ में जा रही है। तो मम्मी बोल रहे हैं कि पहले की औरतें काम भी करती थी, बच्चों को पीठ में रखती थी और फिर ऐसे काम करती थी। देखो मम्मी कितनी तेज है। मम्मू जी 500 रोज हुए उन्हें। हाँ जी, क्या चाहिए? क्या चाहिए? पीज, पीज, अच्छा पीज दे दो इसको भाई, पीज दे दो, दे दो नायशा को, दे दो जी भाई। तो यहाँ पे हो रही है डिनर की तैयारी, और डिनर में आज मेरी नानी बना रहे हैं सिड्डू। जी हाँ, यानी कि कुल्लूवी सिड्डू। जैसा कि मैंने पहले ब्लॉग्स में आप लोगों को बताया हुआ है कि कुल्लू में जो सिड्डू हैं वो थोड़ा अलग स्टाइल से बनते हैं शिमला के कंपैरिजन में। ये मेरी नानी बहुत ही स्वादिष्ट सिड्डू बनाते हैं, और साथ में अगर मैं सिड्डू और भटूरू अगर बात करूं तो नानी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं, बिल्कुल से नरम नरम। ये देखिए सिड्डू, सिड्डू मेकर में डाल दिए हमने, सिड्डू पक्के तैयार हो चुके हैं। नायशा ये क्या है बेटा, ये क्या है? अच्छी। अच्छी कैसे है बेटे? अच्छी। खाना है आपने सिड्डू? सिड्डू खाना है? हाँ जी सिड्डू खाना है। हाँ जी, तो ये सिड्डू को हम लोग कट कर रहे हैं। बच बच बोलो नायशा, बोलो बच बच। तो ये देखिए इसके अंदर की जो स्टफिंग है तो कुछ इस तरह की है, ये देखिए। वाओ, तो ये यहाँ पे जा रहा है कॉली में घी। वाओ घी, वाओ खाओ जी, अब खाओ। वाह नायशा जी।